पांच ऐसी बातें जो आपकी फोटोग्राफी को बहुत तेजी से इम्प्रूव करेगी। फोटोग्राफी का हर एक चीज़ समझना एक नेवर एंडिंग चैलेंज है। कोई भी न्यू स्किल सीखने के लिए उसका फंडामेंटल जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कुछ लोगों को तो इसका टेक्निकल साइड समझना इतना ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है कि वो ट्राई ही नहीं करते। तो आज हम ऐसी पांच बातें आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके आप फोटोग्राफी सीखने की आपकी जो स्पीड है उसको तेज़ कर सकते हैं। ये बातें आपको फंडामेंटल्स में ले जाएंगी और जिससे आप क्वालिटी इमेजेस बनाने में बहुत कम समय लगाएंगे और जो बाकी बचा हुआ समय है उसको आप क्रिएटिव एक्सपेरिमेंट्स करने में स्पेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ISO सेटिंग्स की। ISO सेटिंग्स के लिए ये कहा जाता है कि सेट इट फर्स्ट चेंज इट लास्ट। इसका मतलब है कि ISO को सेट करके तब तक भूल जाओ जब तक कि वो फिर से याद ना आए। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ISO सेटिंग्स को लाइट कंट्रोल करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। और दो सेटिंग्स के अलावा यानी कि शटर स्पीड और अपर्चर वैल्यू के अलावा ISO वो सेटिंग है जो अवेलेबल लाइट के अकॉर्डिंग आपके कैमरे की सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। याद रहे, जब आप ISO सेटिंग्स चूज़ कर रहे हों तो अवेलेबल लाइट के अकॉर्डिंग चूज़ करें, ना कि इसलिए कि आपने जो पहले फ़ोटो खींची थी वो डार्क आई है और आप उसे ब्राइट इमेज खींचना चाहते हैं। सबसे पहले जब आप किसी सीन में एंटर करते हैं तो वहाँ पर एनालाइज़ कीजिए कि कौन सा लाइट प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग ISO सेट कीजिए। जैसे कि ब्राइट डे लाइट में ISO 100 से 200 होना चाहिए, शेड्स एंड क्लाउड्स में ISO 400 टू 800 होना चाहिए, इंडोर्स में 800 टू 1600 होना चाहिए, और जब बहुत ही कम या लाइट ना हो तो उसमें 1600 से अबव या 1600 सेट कर सकते हैं। ISO के नेगेटिव साइड्स को भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आजकल बहुत सारे कैमरेज हैं जो 1600 से ऊपर ISO अवेलेबल कराते हैं, लेकिन ISO ज़्यादा करने का ड्रॉबैक ये है कि आप जो फ़ोटो खींचेंगे उसमें आपको डिजिटल नॉइज़ दिखेगा। बहुत सारे पोस्ट प्रोडक्शन टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिससे आप डिजिटल नॉइज़ हटा सकते हैं, लेकिन आप कैमरे में ही सारी चीज़ें अचीव कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। हाई ISO सिर्फ डिम लाइट वाली जगहों पर ही सेट करें। शटर स्पीड और अपर्चर वैल्यू दोनों ही ये मेजर करते हैं कि कैमरे में कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रहा है, पर इन दोनों चीज़ों के क्रिएटिव साइड्स भी हैं जो जिसका हमको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके मतलब को जानना और फ़ोटो खींचते वक्त एक इंटेंशन पैदा करना, ये दोनों ही फोटोग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स हैं। हमेशा फ़ोटो खींचने से पहले खुद से ये सवाल कीजिए कि वो फ़ोटो जो आप खींचना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है, आप वो फ़ोटो क्यों लेना चाहते हैं। कुछ टाइम सोचने का मौका दें और उसको हमेशा माइंड में रखें कि आपको क्या खींचना है, आपका खींचने का पर्पस क्या है। एक बार जब पर्पस डिसाइड हो जाए उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग सेटिंग्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपर्चर डेप्थ ऑफ फील्ड वेरी करता है, लेकिन जो शटर स्पीड है वो मूवमेंट कंट्रोल करता है। अगर हमको शार्प इमेज चाहिए या कोई इमेज ब्लर्ड चाहिए या किसी मोशन को शो करना है तो वो हम शटर स्पीड से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आसानी से याद करने के लिए आइए हम दो पॉइंट्स और आपको बताते हैं। शटर स्पीड पूरी तरीके से मूवमेंट कंट्रोल करता है। जैसे कि आपको सिर्फ किसी सीन में मूवमेंट दिखाना है तो स्लो शटर स्पीड रखें, अगर आपको किसी सीन में शार्प इमेज चाहिए तो फास्ट शटर स्पीड रखें। जितना ज़्यादा तेज़ी से ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतना ज़्यादा आपको शटर स्पीड रखना पड़ेगा। जैसे कि मूविंग कार है तो 1/4000 शटर स्पीड की ज़रूरत है, अगर कोई इंसान दौड़ रहा है तो 1/1000 सेकेंड ज़रूरत है, कोई बच्चा खेल रहा है उसके लिए 1/500 सेकेंड शटर स्पीड की ज़रूरत है, अगर कोई पर्सन स्टिल खड़ा हुआ है तो 1/100 सेकेंड और अबोव की ज़रूरत पड़ती है, कोई स्टिल ऑब्जेक्ट है तो 1/16 सेकेंड्स में काम बन जाता है, और अगर कोई नाइट सीन है तो 1/16 से नीचे शटर स्पीड अपने को रखने की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी जो सेटिंग्स हैं वो मिनिमम सेटिंग्स हैं, मिनिमम इतनी ज़रूरत पड़ेगी और उससे ज़्यादा भी पड़ सकती है। अपर्चर का सीधा सीधा फंडा है, हायर नंबर्स मीन्स मोर फोकस,
और लोअर नंबर मीन्स लेस फोकस। अपर्चर पूरी तरीके से डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करता है। डेप्थ ऑफ फील्ड वो डिस्टेंस है जो फोकल प्लेन के फ्रंट और एंड में होता है। फोकल प्लेन हम वहाँ से पता लगा सकते हैं जिस पॉइंट पे हम फोकस करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा एफ नंबर होगा मतलब उसका फोकल डिस्टेंस ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा डेप्थ है और उतना ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट उसमें फोकस्ड है। जितना कम एफ नंबर होगा उसमें उतना ही कम फोकल डिस्टेंस है, उतना ही कम ऑब्जेक्ट फोकस्ड होंगे और उसका डेप्थ कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि फ़ोटो में हर चीज़ फोकस रहे तो हायर एफ नंबर चूज़ करें, और आप चाहते हैं कि फ़ोटो में बहुत कम ही चीज़ें फोकस्ड रहें तो आप स्मॉलर एफ नंबर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि क्लोजअप शॉट्स और डिटेल शॉट में f2.8 रखते हैं, मतलब कि लार्जर अपर्चर। एक्चुअल में ये f/2.8 होता है, इसलिए ये लार्जर अपर्चर कहा जाता है। पोर्ट्रेट्स में f1.8 to f5.6 तक रखते हैं। ग्रुप्स में f5.6 to f8 तक रखते हैं। लोकल सीन में लेस डिस्टेंस अगर है तो f8 से f11 तक रखते हैं। लैंडस्केप शॉट्स में ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो हम f11 से f22 रखते हैं। ये सब जो नंबर्स मैं बता रहा हूँ वो एक लमसम आइडिया के लिए है, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। अपने व्यू फाइंडर को फ्रेम करें। फ़ोटो खींचने से पहले उसे अपने कैमरे के व्यू फाइंडर से देखिए। यह आपको देखने के प्रैक्टिस बनाएगा कि आपके फ्रेम में क्या क्या इंक्लूड हो पा रही है और क्या छूट जा रही है। एक ही सीन को अलग अलग एंगल से फ्रेम करके देखिए। इससे आपको फ्रेमिंग का आइडिया होगा कि क्या इंक्लूड करना चाहिए सीन में और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ अब आप ये कर सकते हैं कि इन सब टिप्स को लिखकर आप अपने कैमरा बैग में रख के अपनी आदतों में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप शूट में निकलें इसको एक बार पढ़ लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करें। आप देखेंगे कि अपने फोटोग्राफी में एक बहुत ही अच्छा चेंज फील करेंगे। क्या आपके पास ऐसी कोई ट्रिक्स है जो फोटोग्राफी में आप यूज़ करते हो या याद रखने में जो आसानी हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और भी ऐसे ही अच्छे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।